इसको हमने पहले फ्राई किया हुआ है, फ्राई होने के बाद ये इसकी मैरिनेशन होती है, उसके बाद फिर ये इधर ये दही में आता है, दही में हमने मसाला जार डाले हुए हैं, इसके जो मिक्सचर वगैरह है वो भी इसकी कोटिंग होती है, कोटिंग होने के बाद इसका प्रोसेस स्टीम में आता है, उसके बाद एक से डेढ़ घंटा इसको हम ना हाई फ्लेम पे वो इसको हम कुक करते हैं, उसके बाद इसकी तैयारी मुकम्मल होती है। डालते हैं ना हम लोग तो इसमें ये नीचे वाला जो हिस्सा होता है वो इसके अंदर इंटर नहीं हो सकता, ये फ्रेश चावल है, जो नीचे लग जाता है वो नहीं आएगा, आपके सामने आ रहा है ये सारा।